नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर ज्वेल पाटनी। आज मैं आपको बताऊंगा क्या क्या कमजोरी नहीं है जिसको आम तौर पर गलत समझा जाता है। देखो, भड़बड़ाने वाले लोग बहुत औसत रहते हैं। कभी सड़क में दो औसत लोगों की गाड़ियां आपस में रगड़ जाए तो वो रुकते हैं, एक दूसरे के साथ गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। वो अपने रिश्तेदारों को, गुंडों को, यारों को, दोस्तों को बुलाता है, दूसरा अपने को बुलाता है और बवाल बढ़ा देते हैं। और कभी दो बड़े लोगों के साथ ऐसा होता है ना, वो चुप रह के, कोई बात नहीं, ठीक, चलिए चलिए, कोई बात नहीं, होता है, ऐसा करके वो अपने रास्ते निकल जाते हैं, क्योंकि उनको पता है टाइम करेंसी कीमती है। उनको पता है किसी के साथ 15 मिनट लड़ेंगे झगड़ेंगे तो उसके बाद पूरा दिन खराब होगा। तो आज सारे चुप रहने वाले लोगों से कहता हूँ, चुप रहना कमजोरी नहीं है, लेकिन एंड तक जरूर देखना ताकि ये पता चले कहाँ चुप रहना कमजोरी है। अक्सर जब हम किसी के पास जाकर ये कहते हैं कि मैं आपसे सीखना चाहता हूं, या हम किसी से कहते हैं कि मैं थोड़ा कंफ्यूजन में हूं, मैं आपसे सलाह करना चाहता हूं, तो ये कमजोरी नहीं। किसी से सलाह मांगने से आप छोटे नहीं होते। किसी को जाके ये कहने से कि आप अद्भुत काम कर रहे हैं या आपकी सफलता से मैं इंस्पायर्ड हूं, भले ही वो उम्र में आपसे छोटा हो, भले ही वो पदवी में आपसे छोटा हो, यहां तक ये कह दो अरे भले ही कभी जिंदगी में उसने आपके ऑफिस में, शॉप में, स्टोर में स्टाफ के रूप में काम किया हो, लेकिन एक समय के बाद उसने अपना बिजनेस खड़ा कर लिया, उसके बाद उसको बड़ा कर लिया। और यदि आप उससे कहते हैं कि पुराने दिनों की बात और है, लेकिन आज की स्थिति है कि मैं तुमसे सीखता हूं या मैं तुमसे सीखना चाहता हूं, आप छोटे नहीं होते। और याद रखना, जब बहुत बड़ा व्यक्ति होता है ना, वो किसी से सीखने की बात करता है ना, वो और बड़ा बनता है। आज हमारे दोस्त संदीप माहेश्वरी देश के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। जब उनके मीटअप में मैं पहुंचा और उन्होंने मीटअप के बाद जब वीडियो में कहा, मैंने भी आपकी वीडियोस देखी है और वीडियोस देख करके बहुत कुछ सीखा है सर, स्पेशली जो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर वीडियोस होती है, बिजनेस के ऊपर होती है, केस स्टडीज होती है, कमाल की है सर, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, आई मस्ट से दैट। थैंक यू। उनको ये कहने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन जो जितना बड़ा होता है वो उतना विनम्र होता है, जो जितना बड़ा होता है ना वो सीखने में उतना ज्यादा यकीन करता है, वो प्रशंसा करने में उतना ज्यादा यकीन करता है। मुझे अपने एक प्रोग्राम पावर थिंकर्स की याद आती है, जिस पर पावर थिंकिंग पुस्तक का जन्म हुआ। वहां पर एक सेशन में सुलभ संस्थान के प्रमुख श्री बिंदेश्वर पाठक बैठे थे। आज बिंदेश्वर पाठक जी को कौन सा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिला है, लेकिन वो मेरा सेशन 2 घंटे अटेंड करने के बाद ये कहते हैं कि उज्ज्वल जी, आज मैंने आपके 2 घंटे से बहुत कुछ सीखा और मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं आपसे पहले क्यों नहीं मिला। मुझे उनके बड़प्पन को देखकर ऐसा लगा मैं ऐसा कब बन पाऊंगा, मैं एक तरीके से अपने अंदर छोटा हो गया और कृतज्ञ हो गया और ऋणी हो गया। अभी हम कोई खास शो रिकॉर्ड कर रहे हैं और उस शो में कई बड़े बड़े स्पीकर्स आ रहे हैं जिनका सब्सक्राइबर काउंट मुझसे ज़्यादा है, जिनकी आज की डेट में व्यूवरशिप मुझसे ज़्यादा है, और जब वो आते हैं और गले लग के कहते हैं कि हमने आपसे इतना सीखा या पैर छूते हैं, मेरे को लगता है आज इनका पब्लिक ब्रांड इनमें से कई का मुझसे ज़्यादा एक्टिव है, ये मुझसे ज़्यादा दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ज़्यादा फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, फिर भी ये सीखने में भी यकीन कर रहे हैं, प्रशंसा करने में भी यकीन कर रहे हैं और कृतज्ञ होने में भी यकीन कर रहे हैं। असली बड़े ये हैं, क्योंकि जो पेड़ जितने फलों से लदा होता है ना, वही पेड़ झुका होता है। कुछ लोग कहते हैं भाई, ज्यादा धीरज रखोगे तो बहुत लेट हो जाएगा, ज्यादा संतुष्ट रहोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। क्या धीरज रखना कमजोरी है? लेकिन जब आप बड़े लोगों से, अचीवर से मिलेंगे ना, वो सालों साल धीरज रख, एक ओलंपिक में 100 मीटर की रेस में दौड़ने के लिए 5 साल का धीरज रखना पड़ता है। 5 साल तक डे नाइट तैयारी करनी पड़ती है। किसी उद्योगपति को एक बड़ा स्टील प्लांट, पावर प्लांट लगाना है तो उसको प्रक्रियाओं से निपटने में 4-5-6 साल लग जाते हैं। यदि वो धीरज छोड़ देगा ना, कोई बड़ा उद्योग लग ही नहीं सकता। एक नई दवा को बनाने में 10-15 साल भी लग जाते हैं रिसर्च में। यदि रिसर्चर धीरज छोड़ दे तो एक भी मेडिसिन ना है। एक नया इनोवेशन करने में कभी कभी 1 दशक 2 दशक 3 दशक लग जाते हैं, उम्र निकल जाती है, तब जाके एक चीज का इनोवेशन होता है, आविष्कार होता है। यदि आविष्कार करने वाले धीरज नहीं रखते ना, तो दुनिया में कुछ नहीं बनता। तो आज आपसे कह देता हूं, धीरज रखना कमजोरी नहीं है,
धीरज रख के हर दिन डटे रहना भी कमजोरी नहीं है। धीरज रख कर अपने समय का इंतजार करना, हाँ मेहनत में समर्पण में कोई कमी नहीं करना, लेकिन धीरज रखना, अपने व्यक्तित्व को नियंत्रण में रखना, अपनी वाणी को नियंत्रण में रखना, अपनी हरकतों को नियंत्रण में रखना, धीरज रखना कमजोरी नहीं। तो आज ये जान लीजिए, विनम्र रहना भी कमजोरी नहीं है, उल्टा आज की इस दुनिया में विनम्र रहना एसेट है। आज हम रतन टाटा की पूजा क्यों करते हैं, नारायण मूर्ति को हम क्यों याद रखते हैं, अजीम प्रेम जी को हम क्यों सलाम ठोकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी सबसे सर्वमान्य नेता क्यों थे, सब विनम्र थे। अब्दुल कलाम को कोई क्यों नहीं भूल सकता, विनम्र थे। एक छोटे चौकीदार लिफ्ट मैन से लेके एक बड़े आदमी तक जो विनम्र रह सकता है वो असली व्यक्तित्व है। कुछ लोग खाली बड़ों से विनम्र रहते हैं। अरे किसी के व्यक्तित्व की असली पहचान तब होती है जब वो छोटों से विनम्र है, अपने से हल्कों से विनम्र है, जिनको वो दबा सकता है उनके साथ विनम्र है। तो विनम्र रहना शक्ति है। किसी ने आपको गाली दी, आपने इग्नोर कर दी। किसी ने आपके साथ बुरा किया, आपने उसको माफ कर दिया। किसी ने आपके साथ लड़ाई की, आपने इग्नोर कर देना उचित समझा, ये कमजोरी नहीं। कुछ लोग कहेंगे उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी है कि नहीं, तुमने माफ कर दिया, अरे तुम्हारे में कोई आत्मसम्मान है कि नहीं, अरे ईगो है कि नहीं। ईगो नहीं रहेगा तो कोई भी रौंद देगा। कुछ कुछ जगह बात सही है, लेकिन आज आपसे कहना चाहता हूं, माफ करना कमजोरी नहीं। और ये मैंने पहले बहुत सारे वीडियोस में कहा है, माफ कौन कर सकता है, जो शक्तिशाली। माफ कौन कर सकता है, जिसका दिल बड़ा हो। माफ कौन कर सकता है, जो चीजों को इग्नोर करना जानता हो। माफ कौन कर सकता है, जो मानता है यार इंसान से गलती नहीं होगी तो किससे होगी। तो माफ करना कमजोरी नहीं है, उल्टा मुझसे पूछोगे तो माफ करना और माफी मांगना दोनों बड़प्पन है, दोनों बड़े लोगों का काम है और दोनों बड़ी सोच वालों का काम है। लेकिन सवाल ये है कि फिर इन सब को कमजोर क्यों कहा जाता है, शांत रहना या चुप रहने को कमजोरी क्यों कहा जाता है, हर पल विनम्र रहने को कमजोरी क्यों कहा जाता है, ज्यादा धीरज रखने को कमजोरी क्यों कहा जाता है, इसका कारण बताता हूं। ये सब कमजोरी नहीं है यदि आप ये अपनी इच्छा से कर, यदि आप अपनी इच्छा से चुप है, अपनी इच्छा से शांत है, अपनी इच्छा से विनम्र है, अपनी इच्छा से प्रशंसा कर रहे हैं, अपनी इच्छा से सीख रहे हैं, आप कमजोर नहीं है। लेकिन यही किसी आलस की वजह से, किसी बहानेबाजी की वजह से, हुनर की कमी होने की वजह से, भूख की कमी होने की वजह से, सोच की संकीर्णता की वजह से, किसी से घबरा कर, किसी से डर के, असफलता के डर से या किसी और भय की वजह से कर रहे हैं, तब ये कमजोरी है। याद रखना, कार ड्राइविंग आपको आती है और उसके बाद आप कार को खड़ा कर दें और साइकिल में मजे से घूमते रहें, आपको हीनता नहीं आएगी। लेकिन यदि आपको कार ड्राइविंग नहीं आती और साइकिल में आप घूम रहे, टू व्हीलर में आप घूम रहे, तो आपको लगेगा यार काश कार आती। जब भी कार दिखेगा आपको लगेगा यार काश मैं कार चलाकर घूम पाता। जब आपको कार आती और आप नहीं चला रहे हैं तो आप अपनी इच्छा से कर रहे हैं। आपको कार नहीं आती इसलिए आप नहीं चला रहे हैं तो आप ये मजबूरी से कर रहे हैं, हीनता से कर रहे हैं। बहुत ही आसान एग्जाम्पल मैंने दिया, बहुत लाइट एग्जाम्पल, लेकिन याद रखिए, यदि ये सारी चीजें आप अपनी इच्छा से कर रहे हैं तो एक्चुअली आप में बड़प्पन है, आप कमजोर नहीं है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।